Today's lecture is on machine design. Unit is design of spring. So in design of spring, contents are definition of the spring, classification of the spring, material used for the spring, and then terms used in the spring. After that, we will start the design of spring, and then we take some numericals on it. Definition of the spring. A spring is an elastic object used to store mechanical energy. So objective of the spring. So objective of the spring: cushioning, absorbing and controlling of energy due to shock and vibration. So जो कि vibration and shock की वजह से जो energy develop हो सकती है वो भी हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं. सेकंड ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल ऑफ मोशन, मेंटेनिंग कॉन्टेक्ट बिटवीन टू एलिमेंट्स. दो एलिमेंट के बीच में हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कैम एंड फॉलोअर में देखते हैं, या फिर वॉल एंड वॉल मैकेनिज्म इन आईसी इंजिन देखते हैं हम लोग, वहां पे क्या करता है, कैम एंड फॉलोअर को कॉन्टेक्ट में लाने का काम करता है स्प्रिंग. उसके बाद में फोर्सेस मेजर करने के लिए, जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस में हमने देखा है कि स्प्रिंग का यूज होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, फोर्स मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं हम लोग स्प्रिंग बैलेंस में. ये भी एक ऑब्जेक्टिव है स्प्रिंग का. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है स्टोरिंग ऑफ एनर्जी. एनर्जी को क्या करना है, आपको स्टोर करना है. एनर्जी को अगर स्टोर करके आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि टॉयज में, उसके बाद में क्लॉक्स में, टॉयज में. यहाँ पे क्या होता है कि स्प्रिंग में एनर्जी को स्टोर किया जाता है और बाद में वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज की जाती है. ओके, नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग. सो स्प्रिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू नंबर ऑफ टाइप्स. नंबर वन इज हेलिकल स्प्रिंग, एंड द हेलिकल स्प्रिंग इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग एंड हेलिकल टेंशन स्प्रिंग. नंबर टू इज कोनिकल एंड वोल्यूट स्प्रिंग. नंबर थ्री टॉर्शनल स्प्रिंग. नंबर फोर लेमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग. नंबर फाइव डिस्क और बेवल स्प्रिंग. नंबर सिक्स इज द स्पेशल पर्पस स्प्रिंग. सो सभी के डायग्राम्स दिए हुए हैं और इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करता हूं मैं. क्लासिफिकेशन के ऊपर डायरेक्टली जंप करता हूं मैं, जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए. ये जो डाटा है ये पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, नीचे लिंक में भी आप इसको देख सकते हो. ओके, सो जंप करते हैं हम लोग. टर्म्स यूज इन द स्प्रिंग. सो टर्म्स यूज इन द स्प्रिंग. सो स्प्रिंग में हम लोग कौन से टर्म्स यूज करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को फ्री लेंथ. तो फ्री लेंथ, उसके बाद में कॉम्प्रेस लेंथ, एंड उसके बाद में सॉलिड लेंथ दिख रहा है आप लोगों को. यहाँ पे डब्ल्यू जो लोड है कॉम्प्रेसिव लोड है. ओके, सो फर्स्ट टर्म जो है वो है सॉलिड लेंथ. सॉलिड लेंथ मतलब क्या होता है कि जब भी हम स्प्रिंग के ऊपर लोड एक्ट करेंगे, तो लोड एक्ट करने के बाद में स्प्रिंग में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा. मतलब स्प्रिंग क्या होंगे, कॉम्प्रेस होना स्टार्ट होगा स्प्रिंग में. और टोटल कॉम्प्रेशन होने के बाद में, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है इस डायग्राम में क्या दिख रहा है हमें, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है स्प्रिंग. इसको बोलेंगे हम लोग सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. डेफिनेशन ऑफ सॉलिड लेंथ, व्हेन द कंप्रेशन स्प्रिंग इज कंप्रेस अंटिल द कॉइल्स कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, देन द स्प्रिंग इज सेड टू बी सॉलिड. द सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइल एंड द डायमीटर ऑफ द. जैसे कि यहाँ पे देखो कॉइल्स के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं दिख रहा है आप लोगों को, इसलिए हमने इसे वर्ड दिया है सॉलिड लेंथ. ओके, एंड ऐसे सॉलिड लेंथ में अगर आप डायमीटर्स अगर चेक करते हो, दिस इज द डायमीटर ऑफ द वायर. सो ऐसे कितने डायमीटर्स रहेंगे, जितने नंबर ऑफ कॉइल्स रहेंगे, इसलिए सॉलिड लेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन डैश इंटू डी. तो अभी एन डैश क्या है, एन डैश क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल है. एन मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉइल, एंड एन डैश मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल. ये हम नेक्स्ट जो नीचे टेबल दिया है उसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज फ्री लेंथ. ओके, सो फ्री लेंथ इज द फ्री लेंथ ऑफ ए कॉम्प्रेशन स्प्रिंग इज शोन इन फिगर. इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग
is the free or unloaded condition. It is equal to the solid length plus maximum deflection or compression of the spring and the clearance between the adjacent point. जैसे कि LF का फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को, सॉलिड लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग, एन डैश डी, और मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना हो सकता है डेल मैक्स, और क्लियरेंस जो कि हम लोग लेते हैं 0.15, दैट इज 15% ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. तो फ्री लेंथ मतलब क्या होता है कि अनलोडेड कंडीशन, जहां पे लोड एक्ट नहीं हो रहा है. यहाँ पे जब भी लोड एक्ट नहीं होगा कॉम्प्रेशन स्प्रिंग पे, क्या होगा, ये डिस्टेंस जो है वो डेवलप होगा नंबर ऑफ कॉइल्स में. इसकी वजह से सॉलिड लेंथ से जो लेंथ रहेगी फ्री लेंथ की ज्यादा रहेगी. इस वजह से हमने फ्री लेंथ का फॉर्मूला क्या बनाया, सॉलिड लेंथ प्लस कितना मैक्सिमम क्या हो सकता है, कॉम्प्रेस हो सकता है या फिर डिफ्लेक्ट हो सकता है, यहां से फॉर्मूला मिला हमें फ्री लेंथ का. उसके बाद में स्प्रिंग इंडेक्स. तो स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, स्प्रिंग इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मेन डायमीटर ऑफ द कॉइल टू द डायमीटर ऑफ द वायर. सो स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, डायमीटर का रेशियो होता है जो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बोलेंगे. कैपिटल डी मतलब क्या होता है कि कॉइल का डायमीटर होता है, और स्मॉल डी मतलब क्या होता है, वायर का डायमीटर होता है. सो इन दोनों का डायमीटर का जो रेशियो है उसे बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग इंडेक्स. सो स्प्रिंग इंडेक्स जो है डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल सी से, विच इज इक्वल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. डी इज द मेन डायमीटर ऑफ कॉइल एंड स्मॉल डी इज द मेन डायमीटर ऑफ द वायर. नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग रेट. स्प्रिंग रेट को ही दूसरा नाम दे सकते हैं हम लोग स्टिफनेस और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. तो क्या होता है स्टिफनेस, द लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, या फिर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि द डिफ्लेक्शन जो भी मिल रहा है हमें लोड एक्ट करने के बाद में, दैट इज द लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्टिफनेस और स्प्रिंग रेट. तो लोड एक्ट करने के बाद में जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, सो डिफ्लेक्शन हमने यहाँ पे डिनोट किया है डेल्टा से. सो लोड अपॉन डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट द स्टिफनेस. सो स्टिफनेस को हम लोग डिनोट करेंगे के से, स्मॉल के से. स्टिफनेस इज इक्वल टू लोड अपॉन डिफ्लेक्शन. नेक्स्ट वन इज पिच. सो व्हाट इज पिच, द पिच ऑफ द कॉइल इज डिफाइंड एज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉइल इन अनकंप्रेस्ड स्टेट. अनकंप्रेस्ड स्टेट जब कंप्रेशन नहीं होगा या फिर लोड एक्ट नहीं होगा स्प्रिंग के ऊपर, जब ये दो कॉइल में का जो एडजेसेंट कॉइल में का जो डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस, इसे बोला जाएगा पिच. सो पिच कैसे निकालना है आप लोगों को, फ्री लेंथ डिवाइडेड बाय एन डैश माइनस वन. LF क्या होता है फ्री लेंथ, एंड एन डैश क्या होता है टोटल नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स, नहीं बोलेंगे हम लोग इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बोलेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालना है हम लोग ये नेक्स्ट टेबल में देखेंगे. सो ये हुआ टर्म्स जो कि हम कंप्रेशन स्प्रिंग में यूज करने वाले. सो आप लोगों को डेफिनेशन भी याद रखना है, और डेफिनेशन के साथ में इसको जो कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला लग रहा है ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि सॉलिड लेंथ, फ्री लेंथ, स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग रेट एंड पिच. ये पांचों भी टर्म्स आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होंगे. Now let us start the stresses developed in a helical compression or tension spring. So I am assuming let tau 1 is equal to stress due to twisting of torque. So stress, which stress it is? It is torsional shear stress. So this is also called as a torsional shear stress. Now tau 2, what is tau 2? Stress developed due to load W. So, in diagram it is clearly seen that there are two types of shear stresses developed. One is a shear stress developed due to the twisting, that is torque, and second one is shear stress is developed due to the load W, that is called as a direct shear stress. So, let us find tau 1 first of all. So, how to find tau 1? What is tau 1? Stress due to twisting moment. So, we know that torsion equation. So,
What is torsion equation? Torsion equation is equals to T by J is equals to tau by R. Well, T is equals to twisting moment or torque. J is called as a polar moment of inertia. Tau. So here I am writing tau 1 because what is tau 1? Shear stress due to twisting moment, that is torsional shear stress. And R is the radius. Okay. So from that, how to find tau 1? Tau 1 is equals to T by J divided by R, transport is said, multiplied by R. Okay. Now the twisting moment torque. So we have twisting moment or torque or torsion. What is torque? Torque is equal to force into radius. So radius is nothing but the half of the diameter. So which diameter? Capital D. So capital D is which diameter? It is a mean coil diameter. So twisting moment is developed on the coil. So that's why we have to take the radius of the coil. Now, J. What is J? J is called as a polar moment of inertia. And what is polar moment of inertia? Polar moment of inertia, according to the perpendicular axis theorem, Ixx plus Iyy. So what is Ixx for circle? Because it is a circular, so wire is a circular having diameter small d. So the cross section of the wire is not circular, hence we have to calculate Ixx, Iyy for circle. So what is Ixx for circle? Pi by 64 d to the power 4, pi by 64 d to the power 4. We have to take the diameter of a wire because we have to calculate the polar moment of inertia for wire. So pi by 64 d to the power 4 plus pi by 64 d to the power 4 is twice pi by 64 d to the power 4, which is 2 ones are 2 and 2 32s are. So 2 ones are 2, 2 32s are. So pi by 32 d to the power 4 is nothing but the J. What is J? Polar moment of inertia. Now I am putting these values T and J in equation number 1. I will give it equation number 1. So equation number 1 becomes, what is equation number 1? Tau 1 is equal to T by J into R. So tau 1 is equals to T. So what is the value of T? Force into radius. Radius is nothing but the half of the diameter. So W load and D by 2 is the radius, is the value of T. So I am substituting the value of T by J divided by J. So what is the value of J? Polar moment of inertia, pi by 32 into T to the power 4. Into R. What is R? R is the radius. So radius of a wire is small d by 2. Now what we get? Tau 1 is equals to, this is 2 2's are 4 and 4 1's are 4 and 8 4's are 32. And this d gets cancelled. So W into capital D into small d gets cancelled, divided by pi by 8 d cube, because 1 d gets cancelled. So what we get finally? Tau 1 is equals to divided by 8, transferred to numerator, multiplied by 8. So 8 w d upon pi d cube. So this should be the value of our torsional shear stress. So how to find torsional shear stress? By using which equation? Torsional equation. Now Next stress is shear stress developed due to load W, that is direct shear stress. So in diagram it is clearly seen that the load which is acting on the tangential part of the wire, that load is called as a shear load, and the stress developed due to shear load is called as a shear stress. So
So how to find shear stress? Direct shear stress, or it is also called as a shear stress developed due to load W, or shear stress developed due to load capital W. Now it is denoted by tau 2. So how to find tau 2? What is shear stress? Shear stress is equals to load upon area. Load upon area. And our wire having cross section, which cross section? Circular cross section. So this tangential load W, called as shear load, produces which stress? Shear stress. And shear stress is given by load upon area. So which area is under shear? This circular area is under shear. So circular area is calculated by using pi by 4 d square. Now tau 2 is equals to pi by 4, 4 transferred to numerator, 4 w upon pi d square. 4 w upon pi d square. It is the value of tau 2. Now, because of tau 1 and tau 2, the total shear stress, that is maximum shear stress, is calculated by using maximum shear stress on wire. How to calculate maximum shear stress? Maximum shear stress is nothing but the shear stress due to twisting and shear stress due to load W. So tau 1 plus tau 2. So what is tau 1? So tau 1 value is 8 WD upon pi d cube plus tau 2. What is tau 2? 4 W divided by pi d square. So I am taking 8 WD by pi d cube common. So 8 WD by pi d cube common. What is remaining here? Here remaining is only 1. But inside the bracket, what is remaining? We are taking 8 common. So it is not common here. Here is only 4. So it is divided by 2. Now W taking common, remaining 1. Pi taking common as it is. Then D square. So here D cube is taken common. So remaining is only 1D. And capital D is also common, which is not present here, so I am writing in the denominator. So after taking 8WD by pi d cube common, what is the meaning? 1 plus 1 upon 2D upon small d. Now we know that capital D by small d is called as a spring index. So capital D by small d is what? It is a spring index, C. Okay, I am writing here where C is equal to capital D by small d, which is called as a spring index. So 1 plus 1 upon 2C, I am replacing it by maximum shear stress, which is equal to 8WD upon pi d cube Ks. So 1 plus 1 by 2C is replaced by Ks, where Ks is equal to shear stress factor, and its value is 1 plus 1 by 2C. Ks value is 1 plus 1 by 2C. So in this way, we can calculate the maximum shear stress in the wire of a helical spring. So this expression is without the effect of curvature. If we consider the effect of curvature, so previously we can find out the
shear stress in a spring wire without considering the curvature effect. Now in this topic, we can find out the stresses in a helical spring wire with considering the curvature effect. Now first of all, what is curvature effect? So let us look a small section. Let us look a small section of a circular spring. Suppose we hold a section BC fixed and give a rotation to section AD. Now we have to give this section AD rotation in which direction? In anticlockwise direction. Then it is observed that line AD. Then it is observed that line AD rotates and it takes up another position A dash D dash. The inner length AB, the inner length AB being smaller, the inner length AB being smaller compared to the outer length CD, the shear strain at inside of the spring will be more than the shear strain at the outside of the spring. Hence, for a given wire diameter, spring with smaller diameter will experience more difference of shear strain between outside surface and inside surface compared to its larger counterpart. The above phenomenon is termed as curvature effect. So, more is the spring index. What is spring index? Spring index is capital D by small d. So, capital B, D be the mean diameter of the coil, and small d be the diameter of the spring wire. So the lesser will be the curvature effect. Okay, so agar spring index hum log kya karte hain, zyada rakhte hain, to kya honga, jo curvature effect hai wo kam se kam act honga. Jaise ki example agar dekhte hain hum log, to suspension railway wagon ke jo suspension hai railway carriage ki, usme helical spring का जो डायमीटर है, जो वायर डायमीटर है कंपेयर टू डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग, ये बहुत ज्यादा जो है रखा जाता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कर्वेचर इफेक्ट. ओके, सो नाउ इफ वी कंसीडर द कर्वेचर इफेक्ट, देन द प्रीवियस एक्सप्रेशन टाउ मैक्स इज इक्वल टू के डब्ल्यू ए डब्ल्यू डी बाय पाई डी क्यू. What is Kw? Kw is the walls correction factor which takes care of both curvature effect and shear stress concentration factor and is expressed as Kw is equal to 4C minus 1 upon 4C minus 4 plus 0.615 by C. Okay, so curvature effect agar hum consider karte hai, to if shear stress jo hai wire mein, kaise find out karna hai hume? By using this formula. तो एक बार वापस रिपीट कर लेता हूं मैं. कर्वेचर इफेक्ट क्या होता है? कर्वेचर इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जब हम स्ट्रेन की बात करते हैं, कि जो शियर स्ट्रेन जो होता है इनसाइड, ये क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू शियर स्ट्रेन एट द आउटसाइड. जब हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हेंस ये फिनोमिनो जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्वेचर इफेक्ट. और कर्वेचर इफेक्ट को अगर रिड्यूस करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा हमें, स्प्रिंग इंडेक्स को, स्प्रिंग इंडेक्स जो है सी, व्हाट इज सी, सी को हमने स्प्रिंग इंडेक्स बोला है, व्हिच इज इक्वल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. तो ये स्प्रिंग इंडेक्स जो है वो लेसर होना चाहिए, तो सॉरी जो स्प्रिंग इंडेक्स है वो ज्यादा होना चाहिए अगर हमें कर्वेचर इफेक्ट को क्या करना है, कम करना है. तो स्प्रिंग इंडेक्स को ज्यादा रखो कर्वेचर इफेक्ट कम करने के लिए. तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन भी है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि अगर आपको कर्वेचर इफेक्ट कम करना है स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग इंडेक्स क्या करना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, सेम रखना चाहिए, एंड नन ऑफ दिस. सो स्प्रिंग इंडेक्स जो है हमें क्या करना है, स्प्रिंग इंडेक्स को हमें जो सी बोलते हैं हम लोग उसको, उसको सबसे ज्यादा रखना है आपको. सो ज्यादा अगर रखते हैं हम लोग, तो ही क्या होता है, कर्वेचर इफेक्ट कम कर सकते हैं. उसके बाद में एंड कनेक्शन ऑफ कॉम्प्रेशन हेलिकल स्प्रिंग. सो इस तरह से एंड कनेक्शन होता है. पहला जो फिगर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे प्लेन एंड्स है. सो प्लेन एंड बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है ग्राउंड एंड्स, एंड इसको बोला जाता है स्क्वायर एंड्स. ओके, सो ये लास्ट जो है डी, ये स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड.
तो हम सबसे ज्यादा जो प्रिफर करते हैं स्प्रिंग को डिजाइन करते समय, तो हम लोग प्रिफर करते हैं स्क्वेयर एंड ग्राउंड एंड। हमेशा याद रखो क्या करना है हमें डिजाइन करते समय, कौन सा एंड कंसिडर करना है, स्क्वेयर एंड ग्राउंड एंड। एंड स्क्वेयर एंड ग्राउंड एंड अगर है तो जो एन डैश है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न वो कितना लेना है आपको, एन प्लस टू। एन क्या होता है, नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स। जैसे कि यहाँ पे ये जो लास्ट और फर्स्ट जो दिख रहा है आपको टर्न, ये जो है इनएक्टिव टर्न बोला जाएगा इसको, इसका पार्ट नहीं होता है डिफ्लेक्शन में, ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है, ये फिक्स होता है, इसकी वजह से इसे बोला जाता है इनएक्टिव। जो डिफ्लेक्ट नहीं होता है उसे बोला जाता है इनएक्टिव, जो डिफ्लेक्ट होता है उसे बोला जाता है एक्टिव टर्न्स। तो यन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स जो कि बीच में प्रेजेंट है, लेकिन ये टॉप में और बॉटम में जो प्रेजेंट है इसको क्या बोला जाएगा, इनएक्टिव टर्न जो कि फिक्स होता है। तो दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर निकालना है आपको तो इनएक्टिव टर्न्स प्लस एक्टिव टर्न दोनों के एडिशन करना है। सो दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन डैश कितना लेंगे हम, एन, एन दैट इज नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स प्लस टू। व्हाट इज टू, टू इज द नंबर ऑफ इनएक्टिव टर्न्स। दैट्स व्हाई हमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालते समय, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालते समय याद रखना है सभी को एन प्लस टू करना है। प्लस टू क्यों, क्योंकि इनएक्टिव को भी हमें क्या करना है, एक्टिव में ऐड करना है, क्योंकि हम हमेशा अज्यूम करेंगे स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड। तो ये सभी ने ध्यान में रखना है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा उसमें हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन हेलिकल स्प्रिंग। ओके, सो सभी लोगों ने ये बेसिक लेक्चर देख के पहले क्लियर कर लेना है और उसके बाद में जाना है अभी हमें जम करना है प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो ज्यादा मैंने थ्योरी के ऊपर डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि हमारा ज्यादा डिस्कशन रहने वाला है अभी न्यूमेरिकल्स पे। ओके, थ्योरी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया है तो आप लोग वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच।